जब सर्दी होती है तो बंदा कहता है भाई गर्मी हो, और अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो सर्दी की डिमांड चल रही है, इंसान तो क्यों इतना नाशुक्र है, क्यों शुक्र नहीं करता तू? अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है भाई कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, और सिर्फ गर्मी नहीं कमाल की गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जो है वो गर्मी आ रही है। और आज तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियो बनाना भी, क्योंकि हवा बिल्कुल बंद है, सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप ऐसी ज़बरदस्त हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे हालत ख़राब हो रही है। बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है और मैं टिशू से जो है वो अपना पसीना साफ कर रहा हूँ। लेकिन ये तो बात होती है हमारी, हम तो अभी बैठे हैं यहाँ पर बाहर वीडियो बना रहे हैं, और कुछ देर में हम अंदर चले जाते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या एसी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन जो हमारे ये पीछे प्लांट्स रखे हैं, जिस तरह से आपके प्लांट्स भी होंगे, तो इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको तो हमने लेके रख दिया है, इनको हम इस गर्मी से कैसे बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने हाउस प्लांट्स को, आउटडोर प्लांट्स का तो इतना इशू नहीं होता, वो तो होते ही आउटडोर हैं, गर्मियों के लिए होते हैं, सनलाइट के लिए होते हैं, उनपे डायरेक्ट सनलाइट आती है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो कुछ इंडोर प्लांट्स की बात होती है या हाउस प्लांट्स जिसको हम कहते हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह तो वो भी आपको दुआएं करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह से गर्मियों के अंदर हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और पानी, जूस वगैरह जो कुछ मिल जाए हम जो है बार बार पीते हैं उसे। और प्लांट्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, गर्मियों के अंदर इनको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो ज़्यादा जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और मॉइस्चर लेवल उसमें बहुत कम हो जाता है। अच्छा, अभी तक आपने मुझे यही कहते हुए सुना होगा कि भाई ओवर वाटरिंग ना करें, हाउस प्लांट्स जो है वो ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर जैसे ही हीट वेव आती है या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल सीन चेंज हो जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो सॉइल होती है प्लांट की, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही वो ड्राई होती है मॉइस्चर लेवल जो है वो कम हो जाता है, और रूट्स जो है वो नीचे से ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं, और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ख़राब होकर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपने जो है वो क्या करना है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी बार बार दें, लेकिन ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी जो टॉप की जो सॉइल है वो तो आपको गीली होते हुए नज़र आती है, आपको लगता है कि ठीक है पानी दे दिया हमने, लेकिन वो बिल्कुल आपको जो टॉप का पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो उसको कंज्यूम होता है, नीचे की जो रूट्स होती हैं वहाँ तक वो पानी नहीं पहुँचता। तो आपने सिंपल सा काम करना है, आपने पानी जब भी देना है इतना ज़्यादा पानी देना है कि वो आपको लगे कि आपका जो पूरा पॉट है वो नीचे तक जो है वो पानी आपको पहुंच रहा है। तो इस तरह से आपने पानी देना है, वाटर थॉरली बट डीपली, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जब भी आप दें, जब आपको मिट्टी उसकी सॉइल जो है वो ड्राई होती हुई दिखे, आपने पानी ज़्यादा देना है, और इतना देना है कि वो नीचे तक जो है वो आपकी जो रूट्स हैं वहाँ तक पहुँच। अच्छा, यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक कह लें या समझ लें कुछ भी। तो यहाँ पर सीन यह है भाई कि देखें, ये जो चीज़ है यहाँ, अगर आपको मैं इसकी मिट्टी दिखा सकूँ, ये ड्राई हो चुकी है, देख सकते हैं। अगर ये गीली होती, ये ड्राई हो चुकी है, तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो ड्राई हो जाती है। ये जैस्मिन का प्लांट है और ये ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, और ये क्योंकि आउटडोर प्लांट है, इसको धूप की ज़रूरत होती है, तो ये तो रखना ही धूप में है। अब इसको कैसे बचाया जा सकता है, दो तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर कोकोपीट ऐड कर दें, ये कोकोपीट है, कोकोपीट ऐड कर दें आप इसकी मिट्टी के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी तो ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि जी ये पॉटिंग जो है वो इसके अंदर रिपॉटिंग नहीं करनी, तो इस प्लांट को निकालेंगे, इसकी मिट्टी का मिक्सचर बनाएंगे, और वो सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कोकोनट हस्क यूज़ कर सकते हैं। ये कोकोनट हस्क क्या करें, आप जब पानी वगैरह देंगे, आप इसके ऊपर इस तरह से इसको फैला दें, ये कोकोनट हस्क इस तरह से लगा दें। तो इससे क्या होता है कि ये जो कोकोनट हस्क है
ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मॉइस्चर लेवल जो है वो बना रहेगा, और नीचे वाली जो मिट्टी है उसके ऊपर डायरेक्टली सन जो है वो एक्सपोज नहीं करेगा, तो वहाँ पर जो है ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा और वहाँ पर इजीली जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो मिट्टी इसकी ड्राई नहीं होगी, तो बड़ा ही सीन अच्छा रहेगा यहाँ पर। कैसे दिखाता हूँ आपको, अभी ये मैंने रख दिया इसके ऊपर, अभी मैं इसको पानी देता हूँ। तो ये अब आप चेक करें कि एक तो ये जो पानी है, ये पानी इसके अंदर जो है वो इसको ड्राई नहीं होने देगा, इसके अंदर ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर जब ये गीला गीला हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, नीचे जो मिट्टी है वो अगर ड्राई होती है तो ये ऊपर इसके लिए थोड़ा सा बैकअप बन जाएगा इसके लिए, और ये काम इस तरह से जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा मसला होता है वो ये होता है कि भाई हमने तो हाउस प्लांट को उठा के इंडोर में रख दिया, रूम में रख दिया, जहाँ एसी चल रहा है वहाँ रख दिया, ताकि उसको जैसे हम जाते हैं जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम पंखे नीचे बैठ जाते हैं या एसी रूम में चले जाते हैं, तो हम प्लांट के साथ भी यही करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगेन प्रॉब्लम होता है कि हमारा प्लांट तो ड्राई होता हुआ हमें मरता हुआ दिख रहा होता है। वो इसलिए होता है कि जो एसी की जो हवा होती है वो ड्राई होती है, और वहाँ पर अगेन मॉइस्चर लेवल उसका कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके प्लांट को नुकसान पहुँचता है। तो ये काम भी आपने नहीं करना, अगर आप अंदर रख भी रहे हैं तो आपने उसका मॉइस्चर लेवल चेक करना है, सॉइल को चेक करना है कि वो ड्राई तो नहीं हो गई। उसका तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो आप कोई स्टिक यूज़ कर लें या अपनी फिंगर को यूज़ कर लें और उससे आप चेक करें कि वो मिट्टी ड्राई है या नहीं। अच्छा, हाउस प्लांट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, जो हम भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सेंसिटिव होते हैं जो एसी के अंदर रहते हैं और बाहर नहीं घूम सकते और पसीना पसीना हो जाते हैं, हमारे हालात बहुत बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो हाउस प्लांट का सीन भी ऐसा ही है, वो भी ऐसी कौम है जो एसी में रहना पसंद करती है, मतलब ठंडी जगह में रहना पसंद करती है। तो आपने उनके साथ क्या करना है, आपने उनको या तो मूव करना है इंडोर्स में और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ ब्राइट स्पॉट हो, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट तो वैसे भी हम उनको नहीं देते, लेकिन जो हीट वेव चल रही होती है, गर्म लू जिसको हम कहते हैं, वो चल रही होती है तो वो लीव्स को डैमेज करती है काफ़ी। और उनको आपने या तो इंडोर में ब्राइट स्पॉट में रख देना है, या फिर आप जहाँ पर उसको रखा हुआ है आपने वहाँ ऊपर ग्रीन शेड वगैरह लगा सकते हैं, या कोई भी ऊपर जो है वो कपड़ा वगैरह लगा दें ताकि उनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। और मैंने जो आप किया हुआ है वो आप जैसे देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर ये ऊपर जो है देख सकते हैं ये मैंगो ट्री है, और इसके नीचे जो है वो ये सारे के सारे यहाँ पर मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, तो इनको डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं मिल रही। तो ये सारे के सारे हाउस प्लांट्स शेडी एरिया के अंदर रखे हुए हैं, और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो मैंने ये सेंसिटिव प्लांट जो है वो ये रखा था मैंने कुछ दिन पहले, धूप के अंदर रख दिया था इसको, और इसके हालात आप देख सकते हैं, ये लीव्स जो है वो डैमेज हो गए थे सारे, और अभी ऊपर वाले जो है वो कुछ बेहतर ग्रो करना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप इनको जो है वो शेडी एरिया के अंदर रखें तो बड़े अच्छे से चलेंगे। ये एलिफेंट एयर देखें, ये भी बाहर रखे हुए थे डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर, तो अभी मैंने इनको शिफ्ट कर दिया यहाँ शेड के अंदर, तो अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 चल रहे हैं। अच्छा, कुछ अर्से पहले कराची के अंदर हीट वेव का बहुत सीन चला था और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो इस हीट वेव की वजह से जो है वो इंतकाल कर गए थे और बहुत सारी जानें जो है वो चली गई थी। तो भाई प्रॉब्लम यही होता है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आपका बीपी लो होना स्टार्ट हो जाता है और आपको जो है वो चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जब उनकी ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाती है तो उनका भी जो है वो चक्कर आ जाते हैं और वो बिल्कुल जो है वो मुरझा जाते हैं। उसके अंदर हमें उनकी ह्यूमिडिटी किस तरह से बनाई जा सकती है और किस तरह से हम उनकी ह्यूमिडिटी बरकरार रख सकते हैं, पहले नंबर पर तो ये है कि कोशिश करें कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो कुछ प्लांट्स को जो है वो एक साथ रख लें। जितने प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब होंगे वहाँ उनकी वैसे ही जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ता है और वहाँ पर उनकी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बरकरार रहती है। दूसरा जो तरीका है वो आपको मैं बताऊँ तो आप वाटर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं और उनके ऊपर जो है वो शावरिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर अंदर रखे हुए हैं तो शावरिंग हम बार बार नहीं कर सकते। हाँ, जो बाहर रखे हुए उनको आप जो है वो शावरिंग कर सकते हैं बार बार, और उनको जो है वो उनका ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जब आपके वो प्लांट इंडोर में रखे हुए हैं तो आप वाटर स्प्रे जो होता है उससे आप जो है वो बार बार उनके ऊपर पानी जो है वो स्प्रे करें ताकि उनका जो ह्यूमिडिटी लेवल है थोड़ा सा बरकरार रह जाए। लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें तो सारा दिन इसी तरह से यही खड़े होकर यही काम करना होगा। तो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो आप देखें कि इस तरह से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्लेट्स मिल जाती हैं, ठीक है, ये तो मिट्टी की है, प्लास्टिक की भी मिल जाती हैं, इस तरह से मिट्टी वाली भी मिल जाती हैं। तो इनके ये
पॉट्स के नीचे रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह से पत्थर आप यूज़ कर सकते हैं, बजरी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब हम पानी दें तो इसके अंदर ज़रा ये अच्छा भी लगे और पानी पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से वहाँ पर ना खड़ा रहे, ताकि मच्छर वगैरह कम हो। और इस तरह से आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, पानी डाल के फिर आपने ये पॉट रख देना है। तो ये सीन आपका बन जाएगा इस तरह से VIP। तो ये पानी जैसे जैसे एवोपरेट करता रहेगा, इसी तरह से ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहेगी इसके अंदर। दूसरी जो सबसे प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रिपॉटिंग ना करें एक्सट्रीम गर्मियों के अंदर, रिपॉटिंग ना करें, क्योंकि आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो जाएगा, उसके लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और उसमें प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा पौधा ज़ाया हो सकता है। तो आप कोशिश करें रिपॉटिंग ना करें गर्मियों के अंदर। फर्टिलाइजेशन बेसिकली बहुत सारा अपना रिएक्शन परफॉर्म करती है, और एक्सट्रीम समर्स के अंदर आप कोशिश करें फर्टिलाइजेशन कम से कम जो है वो करें। फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, पहले तो करें ही ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे करने की ज़रूरत है तो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर करें, अदरवाइज़ आपके जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो पूरी तरह से जलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि रिएक्शन होता है बेसिकली ये, और वहाँ पर काफ़ी जो है वो गर्मी की वजह से मज़ीद जो है वो प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोनिंग कोशिश करें गर्मियों के अंदर प्रोनिंग ना करें, क्योंकि ये अगेन प्लांट स्ट्रेस में होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी न्यू लीव्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी देखें आप, तो ये प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा और इसकी जो क्वालिटी है प्लांट्स के लीव्स की जो न्यू निकल रहे हैं कुछ खास से बेहतर नहीं है। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें प्रूनिंग को, स्पेशली इस गर्मियों के अंदर। असल में सीन ये है भाई कि जब आपका नया पत्ता निकलेगा और वो रखा होगा धूप वगैरह के अंदर और या फिर हीट वेव के अंदर, उसका जो नया लीव होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, और जैसे ही वो निकलेगा और वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीन है और कुछ नहीं। अभी देखें जैसे ये एलिफेंट ईयर है, इसका जो पत्ता है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू लीव है और इसके एजेस देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है वो यहाँ से एक्सपोज हुआ हुआ है सन के अंदर, तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा प्लांट्स के पॉट के अंदर इस तरह से जो एक्स्ट्रा ब्रीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है ग्रो होना, तो ये तो अभी बहुत कम है, हल्की हल्की है, कुछ पॉट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोशिश करें आप गर्मियों के अंदर इनको आप रहने दें, क्योंकि इसके होने से यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल जो है वो बरकरार रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मिट्टी जो है वो अभी ड्राई नहीं हुई हुई, और इनसे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इनका इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर रहता है, क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं तो ज़्यादा ड्राई जो है वो होने के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा सा ये डिले होता है इसके अंदर, जो टाइम पीरियड होता है वो इतने ज़्यादा जल्दी नहीं होता। तो ये इनको आप कोशिश करें इनको रहने दें। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको पसंद नहीं है तो आप जो इंडोर वगैरह के अंदर रखे हुए हैं उनको आप जो है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने हाउस प्लांट्स के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।